गोठेगांव शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रही अनियमितताएं और मनमानी पर लगातार मरीजों द्वारा आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। इतना ही नहीं, यहां पदस्थ बीएमओ एसएल ध्रुवे पर कर्मचारियों से अपनी मनमर्जी के मुताबिक कार्य करने का दबाव बनाकर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का भी आरोप है। पूर्व में मरीजों के साथ बढ़ती जा रही लापरवाही के कारण हो रहे हादसों को लेकर एएनएम कार्यकर्ताओं के द्वारा बीएमओ पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। अब बीएमओ हटाए जाने की मांग की थी। हालात इतने खराब हो गए कि एएनएम संघ की ब्लॉक अध्यक्ष प्रतिमा राय ने तो यहां तक कह दिया कि बीएमओ डॉक्टर ध्रुवे को यहाँ से तत्काल हटाया जाना चाहिए, हम उनके नेतृत्व में कार्य नहीं कर सकते। कर्मचारियों के हित में बात न करने वाले बीएमओ को उन्होंने चूड़ी पहनकर घर बैठ जाने की बात तक कह डाली थी। हमारे चैनल द्वारा खबर प्रसारित किए जाने के बाद अनुविभागीय अधिकारी श्रीमती देवंती परते ने शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निरीक्षण किया। वहां पहुंची उन्होंने जांच रिपोर्ट तैयार कर कलेक्टर की टीएल की बैठक में पेश की। अनुविभागीय अधिकारी गोटेगांव ने बताया कि अब इस बारे में वरिष्ठ अधिकारी ही कोई निर्णय लेंगे। उसमें टीएल में लंबित था तो टीएल की रिपोर्ट हमने कलेक्टर मैडम को प्रेषित कर दी गई, वहीं से कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है मैम, इनके बीएमओ पे जो आरोप लगे हैं वो कहीं ना कहीं समझ में कुछ आते हैं कि गड़बड़ी पाई गई? नहीं, वो वरिष्ठों के उस पर निर्णय लेने का अधिकार है, हम नहीं ले सकते अभी, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग है वो जा चुकी है। गोटेगांव से अनिल जैन की रिपोर्ट।